जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल अद्भुत गोपाला में। प्रारंभ करते हैं आज की गीता वाणी अध्याय 2 श्लोक 18। अंतवन्ते इमे देहा नित्यस्य उक्ता शरीरिण अनाशिने प्रेमयस्य तस्मात् युद्धस्वे भारत। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य भयावी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। कहने का तात्पर्य यह है मित्रों, भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है, यह तत्क्षण नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष बाद भी यह केवल समय की बात है। इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है, किंतु आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना तो दूर की बात है। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है कि यह इतनी सूक्ष्म है कि कोई इसके मापने की बात सोच भी नहीं सकता, अतः दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है न तो उसे मारा जा सकता है, न ही शरीर को कुछ समय तक या स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कर्ण अपने कर्म के अनुसार ही यह शरीर धारण करते हैं, अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है, क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाती है, शरीर सड़ने लगता है, अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है, इसलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया है कि वह युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि न होने दे। बोलो जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, राधे राधे।